नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों में टकराव होता रहा है और इस साल अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इन दोनों के बीच कड़वाहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। इसकी वजह है कि ममता को रोम के दौरे की अनुमति नहीं मिली है। रोम में एक शांति सम्मेलन में उनको न्योता दिया गया था, 6 और 7 अक्टूबर को उनको वहां जाना था, लेकिन केंद्र ने इसकी अनुमति नहीं दी है। तो इसके बाद ममता बनर्जी जमकर बरसी हैं कि मोदी को कहा है कि ईर्ष्यावश अनुमति नहीं दी है केंद्र सरकार ने, खुद तो अमेरिका चले गए और मुझे जाने की अनुमति नहीं दी। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की। देखिए पूरी रिपोर्ट। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ममता बनर्जी को करीब 2 महीने पहले एक गैर सरकारी संगठन ने रोम में होने वाले शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। यह सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर को होना है और आप जानते हैं प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री को विदेश दौरे से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ममता ने भी इसके लिए पत्र भेजा था, लेकिन शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार की ओर से मना कर दिया गया। उसमें कहा गया कि ऐसे कार्यक्रम में किसी मुख्यमंत्री का हिस्सा लेना फिलहाल उचित नहीं लगता है। इसके बाद शनिवार को अपने चुनाव अभियान के दौरान भवानीपुर इलाके में ममता बनर्जी केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी और जिस कार्यक्रम के लिए उनको न्योता दिया गया था उसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और पोप वहाँ के और इटली के तमाम दूसरे राजनेताओं को भी हिस्सा लेना था और ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, जिसे ममता ने स्वीकार कर लिया था। उनके जाने की दौरे का पूरा कार्यक्रम भी तय हो गया था और ये तय था कि 30 सितंबर को भवानीपुर का मतदान होना है, 3 अक्टूबर को नतीजा निकलना है, उसके बाद ममता रोम चली जाएंगी और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। इसी बीच केंद्र से चिट्ठी आ गई कि आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। अब ममता ने शनिवार को अपने चुनाव अभियान के दौरान ये सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री खुद तो अमेरिका चले गए लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि दरअसल केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई और लगातार हमले कर रही हैं। उसके बाद इस मुद्दे पर शनिवार को भवानीपुर विधानसभा इलाके के 63 नंबर वार्ड में एक नुक्कड़ सभा थी। उसमें उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन लेने के बाद कोई अमेरिका या ब्रिटेन नहीं जा सकता है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में विशेष अनुमति दी गई है और वे अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग विदेश दौरे पर नहीं जा पा रहे हैं। ममता का कहना था कि प्रधानमंत्री गए हैं, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको जाने की छूट है, लेकिन मुझे आखिर रोम जाने से क्यों रोका गया है? वहाँ जाकर मैं हिंदुत्व का ही प्रतिनिधित्व करती और बीजेपी मुंह से तो हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष के कारण मुझे जाने से रोक दिया गया है। ममता ने ही बताया कि विश्व में शांति के लिए रोम में एक बड़े पैमाने पर सम्मेलन हो रहा है, 2 महीने पहले उन्होंने मुझे न्योता दिया था और उसमें कई लोग रहेंगे, दुनिया के कई देशों के नेता रहेंगे, इटली के प्रधानमंत्री रहेंगे, पोप रहेंगे, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रहेंगी, मिस्र के कई नेता रहेंगे। तो
कोवैक्सीन लेने के बावजूद मुझे इटली की सरकार ने इस दौरे के लिए विशेष अनुमति दी थी। और ममता का कहना है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के दौरे पर, विदेश दौरे पर, यूरोप दौरे पर अभी पाबंदी है, लेकिन मुझे विशेष अनुमति दी गई थी। इससे पहले कभी विश्व शांति सम्मेलन इतने बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किया गया, लेकिन केंद्र ने मुझे एक लाइन की चिट्ठी भेजकर दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कहा गया कि किसी मुख्यमंत्री के लिहाज से यह दौरा उचित नहीं होगा। और आपको बता दूं, इससे पहले वर्ष 2018 में भी मुख्यमंत्री के कुनमिंग दौरे के लिए केंद्र की अनुमति नहीं मिली थी। ममता ने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाना चाहती हूं केंद्र सरकार रोक देती है, अनुमति नहीं देती है। और जबकि दूसरे नेताओं के मामले में ऐसा नहीं होता, मेरे ही मामले में आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? और अगर शांति की बात है, शांति बहाली की बात है, यह कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं था, तो मुझे आखिर अनुमति क्यों नहीं दी गई? और ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह फैसला मेरा अपमान है और यह गैरकानूनी फैसला है। ममता का कहना था कि वे घूमने के लिए विदेश नहीं जा रही थी, उनको घूमने में विदेश दौरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ देश की इज्जत जुड़ी है। इस सम्मेलन में अगर मैं हिस्सा लेती तो देश का मान सम्मान बढ़ता और उचित था कि मुझे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए थी ताकि देश का सम्मान बढ़ता। लगातार हमलावर रही हैं भवानीपुर उपचुनाव से पहले भी ममता केंद्र सरकार में, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर रही हैं और हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। अब हमले का एक नया हथियार मिल गया, केंद्र ने जो अनुमति नहीं दी उनको रोम दौरे की, इस पर उनको एक नया हथियार मिल गया है। और अपनी नुक्कड़ सभाओं में बाकायदे इस बात का प्रचार कर रही है। इसके अलावा असम के NRC का मुद्दा भी उठा रही है, नोटबंदी समेत BJP सरकार के तमाम फैसले उठा रही हैं और पूरा हाथ धोकर BJP के पीछे पड़ गई हैं। आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।